नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। अनलॉक 1.0 में बढ़ा कोरोना का खतरा। प्रदेश के 28 में से 16 जिले रेड जोन में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी की गई सूची में रेड जोन में बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़ के साथ बालोद, कोरबा, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कवर्धा, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, महासमुंद और मुंगेली शामिल है। छत्तीसगढ़ पुलिस में कोरोना का पहला मामला आया सामने। एक जवान की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का पहला जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बताया जा रहा है जवान मुंगेली जिले में पदस्थ है, जिसकी जानकारी बिलासपुर के आईजी दीपांशु काबरा ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये अपनी ड्यूटी करते हुए कोरोना के संपर्क में आए हैं, इनको मेरा सलाम। छत्तीसगढ़ में कोरोना से दूसरी मौत। 9 साल की बच्ची की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से दूसरी मौत हुई है। मौत के बाद बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। बच्ची के संपर्क में आए लोगों की जांच हो रही है। मस्तूरी में 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बिलासपुर के अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया था। बच्चे का सैंपल सिम्स में भेजा गया था। सिम्स में रिपोर्ट पॉजिटिव बताई है। बच्ची प्रवासी मजदूरों के साथ आई थी। छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं विष्णुदेव साय। औपचारिक ऐलान बाकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर सहमति बन गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम तक उनके नाम का ऐलान कर सकते हैं। पूर्व सांसद साय को केंद्रीय संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का करीबी माना जाता है। उनकी नियुक्ति अगले विधानसभा चुनावों तक के लिए होगी। इससे पहले भी साय प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। देश में 2 लाख की ओर कोरोना के मरीज। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी है। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 8,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश में 1,98,706 कोरोना मरीज हैं। मृतकों की संख्या 5,598 हो गई है। अब तक 95,527 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 97,581 मरीजों का इलाज जारी है। मुंबई के करीब अलीबाग में तट से टकराएगा निसर्ग चक्रवाती तूफान। भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ का भी खतरा। कोरोना के बीच एक और आफत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बेहद करीब है। पूर्व मध्य अरब सागर में डिप्रेशन तीव्र हो गया है और अगले 12 घंटे में यह चक्रवाती तूफान निसर्ग में परिवर्तित होने वाला है। इससे गंभीर चक्रवाती तूफान, भारी बारिश और समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। निचले इलाकों में बाढ़ आने की भी संभावना है। टीवी सीरियल की एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह और उसका परिवार कोरोना की चपेट में। टीवी सीरियल की एक्ट्रेस मोहिना कुमारी सिंह और उसका परिवार कोरोना की चपेट में आ गया है। अभिनेत्री मोहिना कुमारी के परिवार को भी कोरोना ने अपनी जद में ले लिया है। मोहिना कुमारी के पति सूर्यस, उनके ससुर और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जेठानी आराध्या और उनके 5 साल के बेटे श्रेयान समेत 7 लोगों को कोरोना हो गया है। साथ ही घर में काम करने वाले कर्मचारी भी इसके चपेट में आ गए हैं। सभी को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन की अपील। इस महामारी के समय में माता पिता को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत, उनका अच्छे से ख्याल रखें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर अपने माता पिता के साथ वाली एक फोटो शेयर की। इसके साथ उन्होंने लोगों से इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय में अपने माता पिता का ख्याल रखने की अपील की। सचिन ने कहा कि इस समय माता पिता को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। अक्सर आपके संस्थान, घर, मकान, दुकान पे OTS होता है। OTS मतलब ओपन टू स्काई। ऐसी जगह हम खुला छोड़ देते हैं जिससे हमारा लेटरिन, बाथरूम या किचन को प्रकाश मिलता हो, तो यह इन OTS पे हम विशेष ध्यान नहीं रख पाते। यह OTS कचरे, गंदगी, कबाड़ से भरा हुआ होता है।
ओटीएस का निर्माण हम करते हैं सूर्य की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को उस स्थान पे प्रवेश कराने के लिए जो कि जहाँ कोई रोशनी नहीं है। तो आइए इन ओटीएस को इन खुले हुए स्थान पे हम पहले उसको साफ सुथरा करें, उस पे रंग रोगन करें या उसकी दीवार पे, पूरी दीवार पे टाइल्स लगा दें, या अगर टाइल्स लगा हुआ हो तो हम उसको हमेशा धोते रहें, साफ करते रहें, जिससे उस खुले हुए ओटीएस से ज़्यादा प्रकाश आपके लैट्रिन बाथरूम में या जहाँ प्रकाश जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रकाश घर को देना शुरू कर दे।